एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और उत्तरामचरितम का द्वितीय अंक है ये, और यहाँ आप लोग जो है ये कंटेंट्स जो है वो पढ़ने के बाद में जो है इन पद्यों को जो है आप सुने, ये आपके लिए जो है एक सौभाग्य ही है कि चूंकि बिना बुक्सों के आप लोगों के पास ये कंटेंट भी पहुंचा रहे हैं और साथ में वीडियो है वो भी जो हम पहुंचा रहे हैं। तो पद्य नंबर 6 जो है पढ़ें। स एष ते वल्लभ बंधु वर्ग है, प्रासंगिकी नाम विषय है कथा नाम, त्वाम नाम शेषाम अपि दृश्यमान है, प्रत्यक्ष दृष्टामिव न करोति। प्रासंगिका नाम कथा नाम विषय है दृश्यमान है, स एष ते वल्लभ बंधु वर्ग है, नाम शेषाम अपि त्वाम न है, प्रत्यक्ष दृष्टाम इव करोति। प्रासंगिक के नाम कथा नाम विषय है, यानी जो प्रसंग है उस प्रसंग से आए हुए कथा नाम विषय है, कथाओं के विषय। दृश्यमान है स एष ते, और दिखाई देते हुए ते, यानी ये जो हैं ये वल्लभ बंधु वर्ग है, यानी प्रिय बंधु जो लोग हैं। नाम शेषाम अपि त्वाम न है, प्रत्यक्ष दृष्टाम इव करोति। नाम मात्र से अवशिष्ट भी तुमको जो है हमें प्रत्यक्ष देखी जाती हुई की तरह जो है कर रहे हैं। मान लो यह पद्य परीक्षा में आ गया तो अब हमारे को यहाँ जो छंद है, अलंकार हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी है, वो भी साथ साथ में जो है आप लोगों को याद करनी है। पद्य कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं दूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा। जहाँ आवश्यकता होगी मैं स्वयं आप लोगों को बताते चलूँगा। और आगे पद्य आ रहा है, वज्रात अपि, यानी वासंती कर रही है, वज्रात अपि कठोराणि मृदूनि, कुसुमात अपि लोकोत्तराणां चेतांसी को ही विज्ञातुम अर्हति। वज्रात अपि कठोराणि कुसुमात अपि मृदूनि, लोकोत्तराणां चेतांसी कह है विज्ञातुम अर्हति अर्हति। वज्रात अपि कठोराणि, यानी वज्र से भी कठोर, कुसुमाद अपि मृदानी यानी फूल से भी कोमल, लोकोत्तराणाम अर्थात लोक श्रेष्ठ जो पुरुष हैं उन लोक श्रेष्ठ पुरुषों के चेतांसी यानी चित्त को कहे विज्ञातुम अर्हति, यानी कौन जो है वो जान सकता है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा हमारे को रुकने की आवश्यकता नहीं है और हम उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। शंभुको नाम वृषल है, पृथिव्याम तप्यते तप है, शीर्ष छेद्य है सहते राम, तम हत्वा जीवये द्विजम। शंभु का नाम वृषल है, पृथिव्याम तप तप्यते, यानी शंभुक नामक जो शूद्र है वो पृथ्वी पर तपस्या कर रहा है। राम है सहते शीर्ष छेदे है तम हत्वा द्विजा जीवये। हे राम, वह आपके द्वारा सिर काटने के योग्य है और उसे मारकर ब्राह्मण जो कुमार है उसको आप जो है जीवित करें। यहाँ भी रुकने की आवश्यकता नहीं है हमें, यहाँ हम रुकेंगे और चर्चा भी करेंगे। कंडुल द्वीपे गंडपिंड कषणोत्कंपेन संपाति भी
घरम श्रंसित बंदनैश्च कुसुमैर्ष चरन्ति गोदावरीं छाया पस्किर मान विष के मुख्या आकृष्ट कीट त्वचा है कुजत क्लांत कपोत कुकुट कुकुट कुलाहा कुले कुलाय द्रुमा कुले छायापि इसके मान विष किर मुख व्याकृष्ट कित वचह है कुजत क्लांत कपोत कुकुट कुलाहा कुलाय द्रुमा कंडुल द्वीप घंटे पिंड कशनोत कंपेन शंपाती भी ही घ्रम संसित बंद नहीं है कुसुमय है गोदावरी अर्चंती अर्चन का मतलब पूजा करना होता है, अर्थात हम पूजा करते हैं। कूले छाया, कूल का मतलब किनारा तट, कूले छाया पस्किर मान विस्किंद मुखे व्याकृष्ट की त्वचा है कुजत क्लांत कपोत कुकुल कुटाहा कुलाय द्रुमाहा। यानी तट पर छाया में चोंच जो है उसे छाया पसकी है, छाया में चोंच जो है चोंच से जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर कुरेदने वाला जो कोवा है या अन्य और भी जो पक्षी हैं उन पक्षियों के मुख से खींचे गए जो कीड़े हैं आकृष्ट का मतलब खींचना त्वचा है, कीड़े और छाल वाले और ऐसे चहकते हुए किन जो कुजत क्लांत कपोत कुकुट कुलाहा कबूतर और जो वन मुर्गे हैं उन्हें कुलाय द्रुमाह उन्हें वन मुर्गों के झुंड वाले जो घोंसलेदार कंडुल द्वीप गंड पिंडे कशनोत कंपेन संपादी भी है ऐसे वृक्ष जो है खुजली वाले हाथियों के कपोल भाग है उसके कंडुल मानी खुजली द्वीप मानी हाथी गंड का मतलब कनपटी होता है और कंडुल का मतलब खुजलाना होता है गंड पिंड कर्षणों का मतलब खींचना होता है तो रगड़ने से हिल जाने के कारण से जो है कंपेन संपाति भी अर्थात टूट टूट कर गिरने वाले ऐसे जो हैं द्रम संसित बंदनई है कुसुमय गोदावरी मर्चंती दाहम के कारण इस प्रकार से मुरझा कर ढीले हुए डंठल वाले फूलों के द्वारा गोदावरी जो उस गोदावरी की पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बाई चांस यदि ये पद्य जो है और आप लोगों के परीक्षा के अंदर यदि आ जाता है तो आप इसको भली प्रकार से जो है याद करें और साथ में ही ये शार्दूल विकृत छंद है उसका ये उदाहरण है, उत्प्रेक्ष अलंकार है इसमें, अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसमें अव्यय छांटे आम शब्द रूप छांटे धातु रूप छांटे कृतन छांटे तद्धि छांटे समास यदि कोई है तो वो आप करें, क्योंकि यहाँ हम सारी चीज़ें जो हैं बताने के अंदर जो है थोड़े से असमर्थ हैं, चूँकि बोलूँगा तो भी आप लोगों की समझ में थोड़ा कमी ही आ पाता होगा, इसलिए आप लोगों के पास ये कंटेंट्स जो मैं भेज रहा हूँ और सारी चीज़ें जो है उनके अंदर दी हुई हैं और वहाँ आप लोग जो है सीखें सुने समझें। और अब अगला जो पद्य है ये इस पद्य के अंदर जो रामचंद्र जी हैं वो दया के साथ जो खड़ग है उसको उठाते हुए प्रवेश करते हैं और वो कहते हैं, हे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर द्विजस्य जीवातये विसृज शुद्र मुनौ कृपाणम रामस्य बहुर असि निर्भरे गर्भखिने सीता विवासन पटोहो करुणा कुतस्ते। हे दक्षिण हस्ते द्विजस्य मृतस्य शिशोः जीवात्वे शूद्र मनो कृपाणं विसृजे, ब्राह्मण के मरे हुए जो बालक हैं उसको जीवित करने के लिए शूद्र जो तपस्वी है उनके ऊपर जो है तलवार छोड़, निर्भर गर्भ खिन्न सीता
विवासन पटव रामस्य बाहु असी ते करुणा कुतः। गर्भ के बाहर से आलस्य युक्त सीता के निर्वासन के समर्थ राम का बाहु है, तुम्हें दया जो है कहाँ से होगी। कहने का तात्पर्य हुआ कि आप जो है अपने हाथ से जो बाण है उस बाण को आप चलाएं, और जो शूद्र मुनि है उस शूद्र मुनि के ऊपर जो है आप बाण जो उसको चलाएं। खैर, यहाँ जो वसंत तिलका छंद है उसका ये उदाहरण है, 14 वर्ण इसके अंदर। उसका लक्षण होता है, उक्ता बसंत तिलका तब जा जगोंग गह, या गेया बसंत तिलका तब जा जगोंग गह। दोनों ही इसके जो है लक्षण है, लेकिन वर्ण वही इसके अंदर जो है 14 आएंगे। तो आप लोग जो है साथ साथ में इसमें जो अव्यय हैं वो छाटें, शब्द रूप है वो छाटें, जो धातु रूप है वो छाटें, और इनके अंदर आने वाले अन्य जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, कोई संधि है, कोई समास है, उसको आप छाटें, और कॉपी के अंदर आप जो है नोट करें, और इसके पश्चात जो है आप आगे बढ़ें। ये कंटेंट्स जो है उनको पहले आप पढ़ें, उसके बाद में वीडियो सुनें, आपके थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। चूँकि ये कंटेंट जो होता है उसको पढ़ने के बाद में विद्यार्थी जो होता है उसके बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आसानी से वैसे ही जो है समझ में आने लग जाती हैं। तो मैंने यहाँ ये जो पद्य है, इस पद्य के आगे जो भी बातें लिखी गई है तमाम जो है वो मैंने PPT के माध्यम से आप लोगों के पास पहुँचा रहा हूँ। आप सभी जो है उनको सुने, समझे, और कोई चीज़ यदि आपके समझ में नहीं आती है तो आप ग्रुप के अंदर शेयर करें, आपको जो है हर समस्या बताई जाएगी। थैंक यू।